कैसे हम किसी भी वेबसाइट के लाइव डेटा को पावर बीआई के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। इस वेबसाइट के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी लिस्टेड हैं उनका डेटा यहाँ पर लाइव अपडेट होता रहता है। अब इस वेबसाइट के ऊपर ये जो डेटा हमको शो हो रहा है, इस डेटा को हम पावर बीआई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटा को कनेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे गेट डेटा के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा वेब, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको वेबसाइट की यूआरएल पेस्ट करनी है, तो वेबसाइट की यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा कनेक्ट होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब नेविगेटर पैन के अंदर ये हमको कई सारी टेबल्स शो कर रहा है। अगर जिस वेबसाइट से हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे होंगे, अगर उस वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टेबल्स क्रिएटेड होंगी, तो इस केस के अंदर हमको एक एक कर टेबल को चेक करना पड़ेगा। जिस टेबल को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वही टेबल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। हमारे केस के अंदर जो हमारा डेटा है वो टेबल वन के अंदर है, तो टेबल वन को हम सेलेक्ट करेंगे और लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा कनेक्ट होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। डेटा हमारा यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हम इस डेटा के हिसाब से कोई विजुअल क्रिएट करते हैं, ये फर्स्ट चार्ट है स्टैक्ड बार चार्ट, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डेटा को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एग्जांपल के लिए अभी जैसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस स्टॉक ने कितना परसेंट डिविडेंड पे किया है, यहाँ पर हम डालते हैं सिंबल को वाई एक्सिस के अंदर। इसके बाद यहाँ पर है डिविडेंड यील्ड परसेंट, इसको हम ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड है वो वेदांता लिमिटेड ने दिया है। इसके बाद सेकंड कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। अभी यहाँ पर हमको नहीं पता लग रहा है कि कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया है। बेसिकली जो हमारी रिपोर्ट है वो हमको चार्ट से ही शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम डेटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं, इस ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है डेटा लेबल्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट के अंदर जो हमारे विजुअल हैं वो अपडेट हो गए हैं। अब जैसे डेटा हमारा वेबसाइट से कनेक्ट हो गया है, अब बात आती है कि जब वेबसाइट के ऊपर डेटा अपडेट होगा तो क्या यहाँ पर भी डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या नहीं। तो अभी हम पावर बीआई का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा को अपडेट करने के लिए हमें इस रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बाकी जो हमारा प्रो वर्जन होगा उसके अंदर डेटा हमारा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये हमारे कंप्लीट स्टेप थे कैसे हम किसी भी वेबसाइट का जो डेटा है उसको हम पावर बीआई के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।